ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात रायपुर से करेंगे। रायपुर में मेयर चुनाव की गहमा गहमी तेज हो चली है और कांग्रेस के सभी पार्षद कांग्रेस भवन पहुंच चुके हैं। कांग्रेस भवन में बाहर से ताला लगा दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि क्रॉस वॉचिंग की आशंका से कांग्रेस डरी हुई है, जबकि निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा कांग्रेस लगातार करती आ रही है। तो वहीं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक सूर्यचंद्र सुंदरानी ने भी स्वराज एक्सप्रेस से ये दावा किया था कि न केवल निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के जगह पार्षद है वो भी उनके साथ हैं। तो मेयर बनने का, रायपुर में मेयर बीजेपी का होगा, ये दावा सूर्यचंद्र सुंदरानी भी कर चुके हैं। माहौल का वहीं पर सीधे ज्वाइस लिया सहयोगी रूपेश गुप्ता ने। तो कैद किया जा रहा विधायक पार्षदों को, आप देख सकते हैं कि ताला लगा करके कांग्रेस भवन में अंदर बंद कर दिया गया है। ये क्यों किया जा रहा है, क्यों ताला क्यों लगाया जा रहा है? जानकारी नहीं दे सकते कि किसका आदेश है, लेकिन कांग्रेस के तमाम जो पार्षद हैं, प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस के मौजूदा कार्यालय में यहाँ पर रखा गया है। अब रणनीति बनाई जाएगी, नाम का खुलासा होगा, पार्षदों को बताया जाएगा कि दरअसल वो कौन सा नाम है जिस पर उनको मोहर लगा। 12:30 बजे निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस वक्त अंदर 3 विधायक मौजूद हैं, तीनों विधायक जो दो विधायक माफ कीजिएगा और दोनों विधायक इस वक्त जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। सस्पेंस बरकरार है। खबर यह है कि एजाज ढेबर के नाम पर जो मीडिया में तमाम खबरें चल रही है उसके मुताबिक वही मेयर होंगे, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि शिव कुमार मेनन का नाम इस बीच में अंतिम समय में तेजी से सामने आया है। फिर से एक बार, क्योंकि दिल्ली के कुछ लोगों का ये कहना है कि इनको मेयर बनाया जाए, इस बार इनको मौका दिया जाए। हमारे साथ है आकाश, बताइए कि क्या कुछ अभी होगा? अभी हमारे नए महापौर का नाम घोषित किया जाएगा, जिसे हम सब जीत आगे लाएंगे। तो महापौर का नाम घोषित किया जाएगा, यहीं से वो नाम घोषित होगा जिस नाम पर मोहर लगेगी। कैमरामैन रेखराम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। चलिए ठीक है।